दोस्तों ट्विटर में आप सभी का तहदिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो 2023 में और जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करोगे चैट के बगल में आपको एक नया बटन मिलेगा, अपडेट बटन। पहले यहां पे स्टेटस बटन था, उससे बदल करके यहां पे अपडेट बटन आ चुका है। तो ये जो अपडेट बटन है ये है क्या, इससे होता क्या, इससे क्या यूज है? इससे अपडेट बटन की ए टू जेड घातक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप इसके बारे में जान लेते हो, सीख लेते हो, जो WhatsApp के इसी न्यू अपडेट बटन के अंदर छुपा हुआ है, तो आप 100% बिल्कुल चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार WhatsApp के इस न्यू अपडेट बटन के अंदर ऐसा भी घातक खुफिया राज हो सकता है, ऐसा भी ट्रिक हो सकता है जो मुझे कहां से पहले पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो जो WhatsApp के इस न्यू बटन के अंदर छुपा हुआ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कलिता, वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि WhatsApp को ओपन करोगे चैट के बगल में एक नया आइकॉन, नया बटन मिलेगा जिसका नाम है अपडेट बटन। पहले यहां पे स्टेटस आइकॉन था, स्टेटस बटन था, लेकिन इसे बदल करके यहां पे अपडेट आइकॉन आ चुका। तो इसी अपडेट की ऐसा-ऐसा घातक खुफिया राज, ऐसा-ऐसा घातक खुफिया ट्रिक और फीचर बताऊंगा जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, बिल्कुल चौंक जाएंगे। अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे सेट कर दीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। कमेंट के अंदर WhatsApp अपडेट या नाइस वीडियो आप सभी लोगों को लिखना काफी जरूरी है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों मैं लेके चलता हूं WhatsApp के अंदर। जैसे WhatsApp के अंदर जाओगे ना, तो इसी अपडेट आइकॉन की सबसे पहला खतरनाक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल चौंक जाएंगे। इस ट्रिक से फायदा क्या होगा दोस्तों, क्या होता है यहां पे जो अपडेट आइकॉन के बदले यहां पे स्टेटस आइकॉन था, तो स्टेटस आइकॉन पे क्लिक करते ना तो बड़ी आसानी से जो ना आप स्टेटस वगैरह देख लेते थे। लेकिन दोस्तों अब से क्या हो गया कि ये अपडेट आइकॉन आने के बाद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि भाई जो पहले मैंने म्यूट किया था ना स्टेटस को, वो म्यूट स्टेटस को मैं कैसे देख सकता हूं, स्टेटस को मैं कैसे देख सकता हूं WhatsApp के इस न्यू अपडेट आइकॉन के अंदर। तो दोस्तों ये जो अपडेट आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो ट्रिक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे स्टेटस लगाया हुआ, तो जैसे आप स्टेटस को आप देख लोगे ना, जैसे स्टेटस को देखने के बाद आपको पूरा देखने के बाद आप इसे बैक कर दोगे ना, बैक करने के बाद यहां पे स्टेटस गायब हो चुका है। तो जो आपने पहले ऑलरेडी आपने देख लिया है, तो वो स्टेटस को आप दोबारा कैसे देख पाओगे? तो ये जो आप एरो बटन आप जो देख रहे हो ना, इस एरो बटन पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहां पे जो भी आपने स्टेटस देख लिया होगा ना, तो यहां पे हाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हाइड हो जाता है। तो यहां पे जो व्यू अपडेट दिख रहा है ना, इस अपडेट पे आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो जो भी आपने ऑलरेडी स्टेटस देखा है, तो यहां पे सारा का सारा स्टेटस आपको दिखने को मिल जाएगा, यहां से आप देख पाओगे। उसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर दोस्तों मान लो कि आपने कोई भी स्टेटस को आपने म्यूट किया, आपके फ्रेंड हो या कोई भी बंदा स्टेटस लगाया, आप उस स्टेटस को आपने म्यूट किया, तो म्यूट वाला स्टेटस को आप कहां पे जाकर देख पाओगे? क्योंकि पूरी तरह से अपडेट आइकॉन आने के बाद दोस्तों पूरी तरह से चेंज हो चुका। तो देखने के लिए आपको म्यूट वाला स्टेटस देखने के लिए ये जो आप थ्री डॉट आप जो देख रहे हो ना, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे आपको म्यूट अपडेट करके एक नया आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो म्यूट अपडेट सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद जो भी आपने म्यूट स्टेटस किया होगा ना, यहां पे सारा का सारा दिखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप बड़ी आसानी से जो ना म्यूट स्टेटस को आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि म्यूट स्टेटस को आप अनम्यूट करना चाहते हो ना, तो आप बड़ी आसानी से आपको फिर से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करें, म्यूट अपडेट पे क्लिक करोगे, इसको आपको एक बार होल्ड करोगे तो यहां पे अनम्यूट आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे ना, तो सारा का सारा जो म्यूट वाला स्टेटस होगा ना, पूरा हर जगह आपको होम पेज पे दिखने को मिल जाएगा। इस एरो बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे दिखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने कोई भी स्टेटस देख लिया, जो भी आपने नया कोई भी बंदा स्टेटस लगाया है, और वो आपको फर्स्ट में दिखेगा, लेकिन अगर आप उस स्टेटस को आपने देख लिया ना, तो आपको यहां पे आपको व्यू अपडेट पे आग जा करके छुप जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं छुप जाएगा। बस आपको इस पे क्लिक करें, दोबारा आप स्टेटस वगैरह आप देख पाओगे। तो ये पहला घातक खुफिया ट्रिक था जो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूं कि WhatsApp अपडेट आइकॉन की मैं आपको दूसरा नंबर का बिल्कुल तबाही घातक खुफिया अपडेट और फीचर और ट्रिक के बारे में बताऊंगा, खुफिया राज जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। तो ये जो अपडेट आइकॉन है, इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा चैनल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एक नया अपडेट आ चुका, नया फीचर आ चुका चैनल से। तो ये चैनल से होता है क्या, इससे क्या यूज है, इससे क्या फायदा होगा आप लोग को, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो चैनल्स के बाजू में आपको प्लस आइकॉन है, इस पे आपको क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको फाइंड चैनल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी बताऊंगा कि चैनल आप कैसे बना सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे फाइंड चैनल्स पे जाओगे ना, चाहने जाने के बाद दोस्तों जितने भी आपको सेलिब्रिटी होगा ना, यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो जितने भी सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी हो, फॉलो करना चाहते हो ना, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे क्लिक करें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे न्यूज 18 हो गया ना, यहाँ पे न्यूज है गोवा, तो इस पर मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे यह फॉलो हो चुका, जैसे कि आप देख रहे हो फॉलो हो चुका। उसके अलावा ऊपर में देखोगे यहाँ पे मोस्ट एक्टिव, यहाँ पे जो भी चैनल होगा वो दिखने को मिल जाएगा, पॉपुलर हो गया, न्यू हो गया। अगर आप दोस्तों कंट्री बाय कंट्री आप यहाँ पे जो ना सिलेक्ट करना चाहते हो ना, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, वो आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि आपने किसी भी चैनल को आपने फॉलो किया, वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको चैनल के नीचे में आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो किसी भी चैनल को आप अनफॉलो करना चाहते हो, यानी कि किसी भी चैनल को आपने फॉलो कर लिया, आप चाहते हो कि उस चैनल को आप अनफॉलो करना चाहते हो, तो कैसे कर पाओगे? सबसे पहले दोस्तों चैनल पे आप क्लिक करोगे जिसको भी आपने फॉलो किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो प्रोफाइल है ना, इसके चैनल का प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे ना पूरा डिटेल यहाँ पे जान सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो अनफॉलो करने के लिए दोस्तों ये जो आप 3 डॉट देख रहे हैं यहाँ पे बेल आइकन के बाजू में 3 डॉट होगा, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको जो ना चैनल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे आपको अनफॉलो का आपको भी फीचर मिल जाएगा, शेयर कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो आप बेल आइकन है इस पर आप दबाओगे ना, तो यहाँ पे ये होगा कि जब भी जो भी चैनल को आपने फॉलो किया होगा, अगर आप नोटिफिकेशन को दबाओगे ना, तो जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी चैनल पर आएगा, अगला बंदा यहाँ पे पोस्ट करेगा, आपको नोटिफाई देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे आप अनफॉलो यहाँ से करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अनफॉलो कर दिया, अनफॉलो करने के बाद चैनल से यहाँ पे हट जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना, काफी कमाल का ट्रिक, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसे अपडेट के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको जो ना एक पेन आइकॉन मिलेगा, कैमरा आइकॉन। तो सबसे पहले आपको तीसरा नंबर का ट्रिक बता देता हूं, तो ये पेन आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपने स्टेटस पे टेक्स्ट वगैरह आप लिखते थे ना, वो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो आपको पहले से ही पता होगा, जो मैं आपको नया अपडेट आने के बाद इधर से उधर सेटिंग हो गया ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसी अपडेट आइकॉन की 4 नंबर का बिल्कुल तबाही घातक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। तो अपडेट आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो न्यू कैमरा आइकॉन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अपडेट आइकॉन के बाद यहाँ पे कैमरा आइकॉन चेंज हो चुका, तो इस कैमरा आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप जो ना जो भी आप यहाँ पे फोटो वगैरह लोगे ना, जैसे फोटो लेने के बाद इस एरो बटन पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। डायरेक्ट आप कैमरे से फोटो वगैरह लेना चाहते हो, लेकर के आप स्टेटस लगाना चाहते हो, तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 6 नंबर का आपको ट्रिक के बारे में बता देता हूं। 6 नंबर का ट्रिक क्या है, जैसे कि आप मान लो कि आप स्टेटस लगाते हो, स्टेटस लगाने से पहले आप चाहते हो कि उस स्टेटस को आप प्राइवेट करना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो, किसको नहीं दिखाना चाहते हो, इसके लिए आपको जानने के लिए ये सेटिंग, तो ये जो 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे क्लिक करोगे नीचे में आपको स्टेटस प्राइवेसी होगा, इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट हो, यहाँ पे लिखा होगा माई कॉन्टैक्ट एक्सप्लोर हो गया, यहाँ पे ओनली शेयर विथ हो गया, तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फेसबुक को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक को कनेक्ट करोगे ना, तो जो भी आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे डायरेक्ट आपके फेसबुक पे शेयर हो जाएगा, तो वह आप यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने आपको नया अपडेट आने के बाद मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का बिल्कुल खतरनाक खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जो व्हाट्सएप के इस अपडेट आइकॉन के अंदर छुपा हुआ, तो ये ट्रिक से फायदा क्या होगा दोस्तों, मान लो कि आपने स्टेटस आपने लगा दिया, जैसे कि ये स्टेटस हमने लगा दिया, इस स्टेटस को आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप कैसे डिलीट कर पाओगे, तो आपको इस स्टेटस पे क्लिक करोगे, तो ये जो आप 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे आपको क्लिक करोगे, तो यहां से आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, यहां से आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहां पे स्टेटस को डिलीट कर दिया। इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि दोस्तों क्या हो गया कि पहले पुराना यहां पे स्टेटस आइकॉन था ना, वो आपको इजीली तरीके से सारा सेटिंग आपको मिल जाता था, लेकिन ये व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस आइकॉन को बदल करके नया अपडेट आइकॉन आने के बाद सेटिंग जो ना इधर से उधर हो चुका, जो आप लोग को नहीं पता होगा। इसी वजह से इसी व्हाट्सएप की न्यू अपडेट आइकॉन के A to Z घातक खुफिया राज खुफिया ट्रिक और फीचर के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी अपडेट आइकॉन की लास्ट वाला बिल्कुल खतरनाक खुफिया फीचर और खुफिया ट्रिक के बारे में बताऊंगा, खुफिया राज जो व्हाट्सएप के इस न्यू बटन के अंदर छुपा हुआ है। तो लास्ट वाला ट्रिक क्या है दोस्तों, प्रोफाइल के बगल में एक नया कैमरा दिखने को मिल जाएगा, एक नया नीचे में कैमरा मिलेगा, एक ऊपर कैमरा मिलेगा। तो नीचे कैमरे का मतलब है कि आप फोटो लोगे डायरेक्ट स्टेटस भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर वाला कैमरे का क्या मतलब है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद जब भी आप फोटो लोगे ना, दोनों तरफ से ही फोटो ले सकते हो, लेकिन उसका काम है स्टेटस लगाना, और इस कैमरे का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये फोटो लोगे ना, फोटो लेने के बाद ऊपर में आपको HD होगा, इस पर क्लिक करके आपको हाई क्वालिटी यहां पे डाल देना होगा, ठीक है। हाई क्वालिटी पे डालने के बाद दोस्तों इस यस बटन पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहां से आप जो ना किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी किसी भी दोस्त को आप फोटो भेजना चाहते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप कैमरे से भेजना चाहते हो ना, तो आप बड़ी आसानी से भेज सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया।
जो WhatsApp के इस न्यू बटन के अंदर छुपा हुआ, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर A to Z घातक खुफिया राज और कमाल का ट्रिक के बारे में बता दिया। उसके अलावा दोस्तों ये भी बता देता हूं कि क्या आप चैनल बना सकते हो? नहीं, अभी चैनल फिलहाल अभी नहीं बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ जिसके पास ब्लू टिक है ना, वही चैनल बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप जो ना यहाँ पे चैनल बनाना चाहते हो ना, तो कुछ देर आपको वेट करना होगा, यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि अभी सेलिब्रिटी एक्टर हो गया ये सभी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो, जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे को भी अभी तक नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आप भी नॉर्मल यूजर हो, आप भी बनाना चाहते हो ना, तो कुछ देर वेट करोगे, आप लोग को चैनल बनाने का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। और ये अपडेट आइकॉन कैसे मिलेगा, प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिएगा, आपको ये फीचर दिखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।